हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मिश्रा जी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज़ पार्टनरशिप डेट सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट यू स्टार्ट लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में सीखा और पार्टनरशिप के फीचर्स से रूबरू हुए अगला जो आज का टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डेट हम लोगों ने ये देखा था कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिल के किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है पार्टनरशिप बहुत अच्छा बात है बट बहुत बार ये प्रॉब्लम देखा गया है कि जब हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे में उन लोगों के बीच में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो सकता है तो ऐसा कन्फ्लिक्स इन लोगों के बीच में ना आए उसके लिए एक एग्रीमेंट कर दिया जाता है स क्लासेस so, में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि ये जो एग्रीमेंट है, है वो म्यूचुअली होता है बट ये वर्वली भी हो सकता है और इन रिटर्न फॉर्म भी हो सकता है तो so, फिलहाल हम लोग रिटर्न फॉर्म की बात कर रहे हैं सो पार्टनरशिप डीड इज वॉट रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड अपॉन बाई ऑल दी पार्टनर्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिटिन डॉक्यूमेंट है मीन्स ये एक एविडेंस का काम करेगा हमारे लिए कि हमें जब जरूरत पड़ा किसी डिस्प्यूट्स को लेकर के केस लड़ने के लिए तो हमारे पास एक रिटिन डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि हम एविडेंस के तौर पे इसको कोर्ट के सामने यूज कर सकते हैं जो इंक्लूड्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप अब पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को कैसे चलाएंगे उससे रिलेट करके बहुत सारे शर्तें होती हैं उसमें कौन कितना पैसा लगा रहा है प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कौन कितना लेगा कोई अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है अपने लोन पे तो वो कितना होगा फॉर्म का नाम क्या होगा फॉर्म कहाँ होगा वगैरह वगैरह कह करके बहुत सारे एग्रीमेंट्स आपस में जो भी होते हैं वो सब यहां पे एज द टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्राइब किया जाता है और ये किसी एक का नहीं होगा बाई ऑल पार्टनर्स होना चाहिए अदरवाइज एग्रीड म्यूचुअली कहलाएगा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डेड ऐसा क्या जरूरत है कि हम लोग पार्टनरशिप डीड को तैयार करें नहीं भी तो कर सकते हैं तो फिर क्यों करे ऐसा क्या जरूरत पड़ गया है एक्चुअली देखा गया है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो कोई बंदा अपने बातों से उसके विरोध नहीं जा सकता है। कहने का मतलब सपोज मैं राम और श्याम तीनों मिलकर के बिजनेस कर रहे थे और हम लोगों ने आपस में प्रॉफिट इक्वली बांटने का कंडीशन रखा था वो रिटर्न है बट धीरे से राम कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर भाई आई विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन वन इज टू इज टू वन मींस वो फिफ्टी परसेंट लेना चाहता है तो मैं और श्याम मिलकर के इसके अगेंस्ट में खड़ा हो सकता हूं बिकॉज हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है कहने का मतलब ये हेल्प करता है टू सेटल द पॉसिबल डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ वर्ड एग्रीमेंट और पहले ही मैंने बोला कि ये क्या करता है इविडेंस के तौर पे काम करता है कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंस है तो ये कवर हो गया और पार्टनरशिप डीड भी कवर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि इज इट इंसियल क्या ये जरूरत है तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी जरूरत पड़ती है नहीं जरूरत नहीं भी पड़ सकती है इज इट नेसेसरी टू बी इन रिटर्न बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि प्रीवियस क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा ये ओरल भी हो सकता है या ये रिटर्न भी हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिटर्न ही होना चाहिए और अब नेक्स्ट जो बात उठता है हमारे मन में क्या कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातों को लेकर के चर्चा होती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नेम ऑफ द फॉर्म फॉर्म का नाम क्या है फॉर्म का प्लेस कहाँ है पार्टनर्स का नाम क्या है उनका एड्रेस क्या है भाई कौन कितना पैसा लगाएगा अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कब हुआ है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो बात उड़ी आ रही है कि हाँ प्रॉफिट जब हुआ है तो कौन कितना बांटा है किस रेशियो में बांटेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अगर कोई मान लो पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए सैलरी या कमीशन किसका कितना होना चाहिए सब ऑलरेडी इसमें क्या होता है डिस्क्राइब किया रहता है क्योंकि ये म्यूचुअली तैयार रहता है तो ये इसका कंटेंट हो गया तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है वेरियस कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड तो ये हमारा हो गया आंसर